इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, माननीय विधान परिषद पार्षदगण, यहाँ उपस्थित श्री दीपक कुमार जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, विकास आयुक्त श्री जनाब अमीर सुभानी साहब, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से में भाग ले रहे, स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारीगण, चिकित्सकगण, कर्मीगण, इसमें जुड़े हुए सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलाधिकारीगण, इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को, विशेष तौर पर माननीय मंत्री को और उनके तमाम अपर मुख्य सचिव समेत सभी अधिकारियों को, सभी चिकित्सकों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से आज एक खास कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, जिसकी चर्चा की जा चुकी है, हम बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए काम प्रारंभ कर चुके हैं और आगे का लक्ष्य भी हमने निर्धारित कर दिया है, तो सारे कामों में, लोगों को बचाने में, लोगों के इलाज करने में जिस तरह से काम किया गया है और जिस तरह से उनका सहयोग सरकार के अन्य विभागों के लोग जो दे रहे हैं, उसके चलते जैसा कि अभी हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बताया कि हम लोग अभी इस देश में 21वें स्थान पर हैं, जो कोरोना की महामारी हुई है उसका जो प्रभाव पड़ा है, और आप समझ लीजिए कि आबादी के दृष्टिकोण से भारत के अपने देश के तीसरे स्थान पर बिहार है, और जब इसको देखेंगे तो यहां पर हम पहुंचे हैं 21वें स्थान पर। यानी जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है, प्रारंभ से ही, जब से ये बात पिछले वर्ष प्रकाश में आई तब से ही जिस तरह से शुरुआत हुई है और हर प्रकार से लोगों को सहयोग देने की कोशिश की है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, उन सबों का परिणाम है और इस बात का जरूर फल है। कुछ लोग तो मान लीजिए होते हैं जो किसी की बात को नहीं सुनते हैं, ऐसे चंद लोग होते हैं, लेकिन आम तौर पर जिस तरह से पहले दौर में भी लोगों ने बात को समझा और सुना, और इस दूसरे दौर में जिस प्रकार से जो और भी खराब स्थिति उत्पन्न हुई पूरे देश में, तो उसको देखते हुए लोगों ने बात को समझा है और सुना, तो उसके कारण ही जितना तेजी से काम किया गया, चाहे लोगों के जांच के लिए काम कर रहे हैं और टीकाकरण के लिए जो काम इस वर्ष से शुरू किया गया, तो टीकाकरण का काम तो हम लोगों के पास जो भी जब टीका उपलब्ध हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों ने जिस तरह से काम किया है वो तो किया ही है, और अब आप समझ लीजिए कि टीकाकरण की स्थिति तो जो सबसे पहले शुरुआत हुई हेल्थ केयर वर्कर की, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स की, फिर तीसरा 60 वर्ष से ऊपर वाले का, और उस समय तय हुआ था कि 45 से लेकर के 60 के नीचे तक के लोग जो 20 तरह की बीमारियों में बीमार हैं उनको करेंगे। बाद में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया कि नहीं, 45 साल से ऊपर वाले सब लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो इस तरह से चाहे जो भी काम किया गया, हेल्थ केयर वर्कर का काम किया गया, फ्रंट लाइन वर्कर्स का काम किया गया, और 45 साल से ऊपर वाले उम्र वाले जितने लोग हैं सबके लिए जो ये काम किया गया है टीकाकरण का, पूरी कोशिश की गई, और जब से ये तय हुआ कि अब 18 वर्ष से ऊपर लेकर और 45 के नीचे यानी 44 साल तक के लोगों का जो टीकाकरण किया जाएगा, केंद्र सरकार ने ये निर्णय लिया। राज्य सरकार हमेशा से जो केंद्र का गाइडलाइन है और केंद्र की तरफ से जो कुछ भी निर्णय लिया जाता है
उसको ध्यान में रखते हुए तेजी से उसके क्रियान्वयन पर हम लोग जोर देते हैं और ये काम पूरा किया गया। हम लोग बहुत ज्यादा अपना प्रचार प्रसार में नहीं लगे रहते, कई जगहों का देखते हैं ना कि लोग कितना प्रचार करते हैं, हम लोग कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, हम लोग सीधे काम करते हैं। और अगर कोई प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो लोगों को बताने के लिए ही, लोगों को प्रेरित करने के लिए ही कि साहब आप इसको समझिए और पालन करिए, दूरी रखिए, मास्क पहनिए, तो इस प्रकार से, और हाथ को साफ रखिए। तो इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है और जब स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें और जो लोगों को अलर्ट किया जाता है उसमें सब लोग लगे रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप जरा देख लीजिए कि किस तरह से सब कुछ से काम हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि जब 18 से 44 साल की उम्र का टीकाकरण का काम शुरू हुआ तो उस समय तो केंद्र से तय हुआ था कि हर राज्य सरकार को ये खरीदना पड़ेगा। केंद्र सरकार टीका का इंतजाम सब जगह से करवा रही है और राज्य उसको लेते। तो ये जो हम लोगों का शुरू हुआ तो हम लोगों ने कितना तय किया, हम लोगों ने 4,100 करोड़ से भी ज्यादा आवंटित कर दिया, 1,000 करोड़ रुपया तत्काल आवंटित भी कर दिया, निर्णय भी ले लिया, काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने फिर निर्णय लिया कि नहीं, अब केंद्र सरकार ही 18 साल से ऊपर वाले के भी टीकाकरण के लिए टीका का इंतजाम करेगी। तो अब तो केंद्र सरकार से टीका मिल जाएगा और टीकाकरण किया जाएगा। लेकिन इसके पहले भी हम लोगों ने जो भी पैसा लगा उसको लगा करके सब तरह से हम लोगों ने जो करने की कोशिश की है कि उसके माध्यम से 18 से 44 आयु वर्ग के लगभग 38,10,826 लोगों को वैक्सीन का प्रथम डोज और 57,549 लोगों को दूसरा डोज भी दिया जा चुका है। इस तरह से कोशिश की गई और अब तो पूरे तौर पर सारा सब कुछ टीका केंद्र सरकार से उपलब्ध हो जाएगा और पहले से मिल रहा था, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर के लिए हो, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए हो, या फिर 45 साल से ऊपर की उम्र वाले लोगों के लिए हो, सबके लिए टीका केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराया, सब कुछ किया गया और फिर 18 साल से ऊपर वाले के लिए भी किया गया। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं और जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी और ये बता दिया और 21 अक्टूबर की बात आई, 21 तारीख को, माफ करिए अक्टूबर नहीं, ये सितंबर, ये इसकी बात आई जून की, तो उस समय से ही हम लोगों ने तय किया कि आज ही हम लोग इसको कार्यक्रम करके और इसको पूरे तौर पर 6 महीने के अंदर 6 करोड़ लोगों का जरूर टीकाकरण कराएंगे। और जान लीजिए टीकाकरण कोई एक ही डोज नहीं होता, डबल डोज होता है, यानी इसको ध्यान में रख करके, इस पर विचार करके कई बार स्वास्थ्य विभाग ने बैठक की, विशेषज्ञों की राय ली, हम सब लोग बैठे और मिल करके ये निर्णय हुआ कि भाई हम लोगों को तो ये करना है, हर हालत में हम लोगों को करना है। तो ये काम अब इसकी शुरुआत हो गई है, अब पूरे तौर पर हम लोग लोगों को तो करेंगे ही। और आज भी अभी तक आप देख लीजिए कि बिहार में कुल मिलाकर के 1,16,46,119 लोगों का पहला डोज और 22,05,440 लोगों के टीका का दूसरा डोज दिया जा चुका। तो आप जितना तरह से हो रहा है और दूसरे डोज के लिए भी बहुत तरह से प्रयास किया जा रहा है, हर तरह से, और हम लोगों से यह अपील करेंगे कि भाई टीकाकरण जरूर करवाइए, यही लोगों को बचाएगा। और ऐसी स्थिति में पहला डोज लिए हैं तो दूसरा डोज भी लेना ही लेना है, तो इसके लिए पूरा का पूरा प्रचार किया जा रहा है। और अब हम लोगों ने जो तय कर दिया है कि हम लोग सब किसी का टीकाकरण कराएंगे, और अभी जो बाढ़ की स्थिति आ गई है तो उसके लिए भी हम लोगों ने पहले ही से तय कर दिया कि सब लोगों का जांच करा करके, और जो लोग भी इस काम में लगने वाले हैं, लोगों की सहायता करने वाले, उन सब लोगों का टीकाकरण, ये काम भी बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। और जो लोग भी प्रभावित हैं, पिछले वर्ष भी जो बाढ़ से प्रभावित हुए हम लोगों ने उनका जांच करवाया, और जो हमने सलाह दिया कि इनका जांच जरूर करवाइए, जो अफेक्टेड लोग गांव से निकल रहे हैं तो उनका जब जांच करवाइएगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। और जब जांच कराया गया तो कुछ लोगों का पॉजिटिव आ जाता था, उनको अलग रखा जाता था,
और बाकी लोगों को एक जगह पर रखा जाता था। तो इसीलिए हम लोगों ने तय कर दिया कि टीकाकरण तो करना ही है, लेकिन साथ साथ जो जांच है वो हर दिन हम लोग कर रहे हैं। और बीच में जब टीकाकरण का दौर शुरू हुआ और पहला फेज में जब बहुत कम हो गया था तो उस समय जांच का दर कम था, लेकिन जो मार्च महीने में ही हम लोगों ने तय किया कि नहीं साहब ये कम हो रहा है, इसको बढ़ाना है, और हम लोगों ने तय किया कि 1.5 लाख तक पर प्रतिदिन करेंगे। हालांकि 1.5 लाख तक तो अभी नहीं पहुंच पाए हैं, किसी किसी दिन 1,40,000 से भी ऊपर गए हैं। और हम लोगों का आग्रह है कि हम लोग सबका निश्चित रूप से जांच करते रहेंगे, और ये करना बहुत जरूरी है। जब लोगों का होता रहेगा जांच, पता चलेगा। अब देख लीजिए कितना तेजी से बढ़ा और किस तरह से सब कुछ किया गया है, तो अब संख्या घट गई है, बहुत कम संख्या। अब इसके बारे में हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जानकारी दी। अब प्रतिदिन हमारे पास तो प्रतिदिन जितने लोगों का जो कुछ भी हो रहा है, कितने का टीकाकरण हुआ, कितने लोगों की आज जांच हुई, कितने लोग प्रभावित निकले हैं, कितना पॉजिटिव रिपोर्ट निकला है, कितने लोग ठीक हो गए हैं, अब कितने लोग किस प्रकार के अस्पताल में भर्ती हैं, वो सब की जानकारी मिलती है। प्रतिदिन हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को इसका लाभ मिल रहा और बहुत तेजी से लाभ हुआ, लेकिन इसके लिए तो हम लोग निश्चिंत नहीं रहते, काम तो करते रहते और उसका लाभ भी होता है लोगों को जागरूक करने का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इन दिनों चर्चा हो गई है कि तीसरा डोज शुरू होगा, अभी तो कोई जानता नहीं है। कभी किसी का सुन रहे हैं कि 6 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के बीच में आएगा, कभी एक बार बयान आया कि साहब ये नवंबर से शुरू होगा, आज भी किसी का देखे हैं कि वो अक्टूबर की बात कर रहे हैं। होगा या नहीं होगा इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर तीसरी बार भी होगा तो इसके लिए बचाव का तो सबसे बड़ा उपाय टीकाकरण ही है। हम लोग सबका टीकाकरण करा करके रखेंगे तो कम से कम असर पड़ेगा। और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, हर प्रकार से जागरूक किया गया। हम लोगों ने जो लॉकडाउन लागू किया उसके बाद उसमें और कमी लाए हैं, कुछ छूट दे रहे हैं लोगों को, लेकिन लोगों को सजग जरूर कर रहे हैं कि भाई इसके प्रति जागरूक रहिए, यह जानना जरूरी है। और अब एक एक आदमी को समझ लेना चाहिए कि विशेषज्ञ लोग बता रहे हैं कि तीसरा डोज आने वाला है, तो हम हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करेंगे कि राज्य सरकार की तरफ से जो कुछ भी संभव ये किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आप सब लोगों को सतर्क रहना है, सचेत रहना है, ताकि अगर कल होकर के फिर नया दौर आता है जिसके बारे में तो कहा नहीं जा सकता, हम लोग कैसे कह सकते हैं, लेकिन अनेक लोग विशेषज्ञ लोग इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि तीसरा दौर भी आ सकता है। तो हाँ, तीसरा दौर शुरू हो जाएगा, तो इसलिए सब तरह से लोगों को सचेत रहना है, सतर्क रहना है, और उसके लिए भी पूरे तौर पर तैयारी की जा रही है, अस्पताल का हो, दवा का हो। अब देखिए इस बार कितना अचानक लोग बीमार हुए, इसके शिकार हुए कोरोना के, और उसमें कहां पता था, ऑक्सीजन की कोई कमी कभी होती थी, लेकिन अचानक कितना ऑक्सीजन की कमी हुई, देश भर में हुई। और जिस तरह से अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, इसके लिए सारा इंतजाम किया गया, अन्य प्रकार के दवाओं के बारे में भी सारे विशेषज्ञों ने किया, सब कुछ किया। ये एक एक जो ब्लैक फंगस की भी बात हो गई है शुरू, तो उसके लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। तब उसका ब्लैक फंगस का भी रेट घट रहा है, अब उसमें स्वस्थ ज्यादा लोग हो रहे हैं, अब कम लोग आ रहे हैं, ये तो एक अलग बात है। कोशिश तो की जा रही है, हर प्रकार से कोशिश की जा रही है, अन्य बीमारियों के प्रति भी सतर्क रहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों को सचेत और सतर्क रहना। और हम लोग इलाज के लिए भी, लोगों की जांच के लिए भी, और लोगों के टीकाकरण के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। और हम केंद्र सरकार को इस बात के लिए बधाई देते हैं, मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, जिस तरह से पूरे देश के लिए अब टीका का इंतजाम करवा दे रहे हैं, और जिस तरह से एक एक चीज के बारे में कि क्या कल की संभावना है, उसके लिए लोगों को सजग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर के हम लोग काम कर रहे हैं, और जान लीजिए बिहार में तो हम लोगों ने, जैसा हमने शुरू में कहा, हम लोग कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, लेकिन काम जरूर करते रहते हैं, और केंद्र के गाइडलाइन का पालन करते हैं, और एक एक चीज यहाँ भी लोगों से राय विचार लेकर के विशेषज्ञों का हर प्रकार से कोशिश करते हैं कि लोगों को लाभ मिले,
लोगों को में जागृति आवे, ये सब काम करते रहते। और आप जान लीजिए हम लोगों ने पहले दौर में कितने लोग जो हमारे बिहार के लोग बाहर प्रभावित थे उन लोगों के लिए हम लोगों ने मदद की, उन लोगों को यहाँ आने पर हम लोगों ने किस तरह से मदद किया, हर प्रकार से मदद किया। अगर किसी परिवार किन्हीं का डेथ हो गया तो उनके लिए हम लोगों ने शुरू कर दिया कि 4 लाख रुपया उस परिवार को हम लोग देंगे। सीएम रिलीफ फंड से देते थे, अब तय कर दिया है कि हम लोग आपदा प्रबंधन के माध्यम से देंगे। अब 9,500 के करीब हम लोगों के यहाँ प्रभावित हो चुके हैं, उससे थोड़ा ज्यादा डेथ हो चुका, तो सबके लिए हम लोग करेंगे। ये गरीब राज्य है तब भी हम लोग एक एक चीज पर ध्यान देते रहते हैं और ध्यान देते रहेंगे। जो भी संभव है सब तरह से हम लोग काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। और इसमें हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि भाई लोगों को जागरूक जरूर रखिए और अपने अपने इलाके के बारे में जानकारी लीजिए। हमारे जितने प्रभारी मंत्री हैं इन लोगों ने भी मीटिंग की है, सारे डीएम्स को भी कहा गया है कि आप हर जगह जनप्रतिनिधियों के साथ मीटिंग कीजिए, तो ये सब किया जाएगा। और अब तो एक बाढ़ की स्थिति भी आप देख रहे हैं, इतना ज्यादा तो कभी वर्षा बहुत साल दर साल पहले भी नहीं हुआ है, इतनी वर्षा जो शुरू में ही हो गई है और चारों तरफ जो असर पड़ रहा, तो इसको भी ध्यान में रख करके सब हर तरह से सचेत सरकार है। लेकिन ऐसी स्थिति में भी इन जगहों पर भी हम लोगों को चाहे इसका वैक्सीनेशन का काम हो यानी टीकाकरण का काम हो या लोगों के जांच का काम, ये काम और लोगों के इलाज का काम, तो ये सब काम तो करते रहेंगे। लेकिन ये जो शुरुआत हो रही है और जिसका एक हम लोगों ने ये जो स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए नारा दे दिया कि 6 महीने में 6 करोड़ लोग, ये कोई मामूली बात, जरा सोच लीजिए कितने वैक्सीन की जरूरत होगी, कितने टीके की जरूरत होगी और कितना जगह से कितने सेंटर्स पर किए जाएंगे। अब तो कोशिश यही किया जा रहा है, पहले से तय किया जा रहा है कि भाई अस्पताल में सीधे नहीं, हो सकता अस्पताल के बगल में और दूसरी जगहों पर, स्कूल से लेकर के अनेक जगहों का चयन किया जा रहा है। और डीएम्स को कह दिया गया कि जहां से टीकाकरण का काम होगा उसको करिए। और आप जाते हैं अब तो लोगों के बीच में जा करके टीकाकरण करवाने की कोशिश हो रही है, हर तरह से जो काम किया गया है तो सबको पता ही है। तो इसलिए पूरे तौर पर राज्य सरकार कोशिश करेगी, हम लोगों का तो ही प्रयास तो पूरे तौर पर हम लोग करेंगे, लेकिन लोगों से ही अपील है कि जागरूक रखिए, दूरी बना करके रखिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, हाथ को साफ रखिए, जो बार बार कहा जाता है इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। अब ये खत्म नहीं हुआ है, ये कोई नहीं जानता, हम तो शुरू से कह रहे हैं भाई इस पर तो लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन जब पहली बार ये शुरू हुआ था तो उसी समय बात चर्चा में आ गई थी कि चाइना से ये शुरुआत हुई है, तो उसी समय तो एक बात आई थी कि भाई ये नेचुरल नहीं है, प्राकृतिक नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल है। तब भला बताइए ऐसा होता है, पहला दौर, दूसरा डोज, दूसरा दौर और फिर तीसरा दौर शुरू हो रहा, थर्ड फेज। आप सोच लीजिए थर्ड फेज की संभावना भी शुरू तो नहीं हुआ इसके बारे में, लेकिन कहीं कहीं कहा जाता है दुनिया के कुछ मुल्कों के बारे में कि भाई वहां पर तीसरा दौर शुरू हुआ है या कई तरह की बातें हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सतर्क रहना, कई तरह की कठिनाइयां हैं लेकिन इसमें हम सब लोगों को सतर्क रहना है और पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर के हम सब लोगों को इसका मुकाबला करना है कि जो भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है इससे जरूर छुटकारा मिलेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और इस दौर पर भी जितना संभव है लोगों के काम के लिए, रोजगार के लिए सब कुछ कोशिश की जा रही है, तो ये सब प्रयास तो हो ही रहा है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है लोगों की जांच, लोगों का टीकाकरण और जरूरत में जो लोग हैं उनका इलाज, जो पूरे तौर पर कोशिश की जा रही है। अब इसके लिए मैं स्वास्थ्य विभाग को, माननीय मंत्री जी को, उनके सभी अधिकारियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी चिकित्सा कर्मियों को और उनका सहयोग देने वाले तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं। और आप लोगों ने जो तय कर लिया है और अलग अलग तबके के लोगों को पूरा का पूरा जीविका समूह से लेकर के हर तरह के लोगों के लिए जो विशेष रूप से और इनके माध्यम से हम जीविका समूह से भी कहेंगे और अन्य सभी लोगों से कहेंगे, सब विभाग के लोगों से भी कहेंगे कि भाई लोगों को जागरूक जरूर कहिए। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चलता, लाख भी कहिए
तो उसको तो समझ ही में नहीं आएगा कि टीका लेना जरूरी है। इसलिए लोगों को समझाना, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना बहुत जरूरी होगा, तो ये काम तो किया ही जाएगा। और जिस तरह से आपने प्रचार के अभियान की बात दिखाई है, एक एक चीज जो लोगों के बीच में रखा जाएगा, टांगा जाएगा, वहां हर गांव में पहुंचा दिया जाएगा, लोग देख ले। और इसके अलावा जो आप लोगों ने एक नारा के तौर पर बहुत अच्छे ढंग से वो शुरू किया है, उसको लोग सुनेगा तो निश्चित रूप से इसको सुनाना है हर जगह, हर गांव गांव हर जगह सुनाया जाएगा। लोग सुनेगा तो सुनता रहेगा, तो दो चार बार पांच बार भी सुनेगा तो एक आध बार तो उसके दिमाग में बात जाएगी कि नहीं भाई बड़ा जरूरी है, टीका लगवा लो। तो ये हम लोगों को पूरा यकीन है, इस तरह से आप लोगों ने पूरे तौर पर इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और हम सब लोगों को भाई ध्यान देना, हर तरह से ध्यान देना, और हम लोग इस चीज का मुकाबला करेंगे कोरोना का, और इसमें जरूर अंतोगत्वा कामयाबी होगी। और जब जागरूक रहेंगे तो कम से कम लोग प्रभावित होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो कुछ भी किया जा रहा है, मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं, और जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये पूरा जब शामिल हुए हैं तो इसका मतलब है कि निश्चित रूप से उनका इसमें थोड़ा, इसमें पूरे थोड़ा ही नहीं पूरे तौर पर उनका इससे लगाव है। तो इससे लगाव है तो इसको पूरे तौर पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। धन्यवाद ज्ञापन हेतु हम आमंत्रित करते हैं श्री अनिमेश कुमार पराशर, अपर कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि महोदय आपने 6 करोड़ 6 महीना अभियान के शुभारंभ के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, हम सबों का मार्गदर्शन कर मनोबल बढ़ाया। मैं आभार प्रकट करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, उपस्थित माननीय मंत्रीगण का, माननीय सांसदगण का, माननीय विधायकगण का। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का।